क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका हर एक सेल की जो होती है एक सेटिंग होती है। आपने अच्छा कभी भी कंट्रोल वन करते होंगे तो ये फॉर्मेट सेल आता है। ये पर्टिकुलर एक सेल की सेटिंग होती है और इस पे जो फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है, जैसे आपने मोस्टली किया होगा नंबर के ये दो डेसिमल प्लेसेस वगैरह चेंज करते होंगे, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं नंबर फॉर्मेटिंग। ये नंबर टैब है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी देखेंगे तो नंबर लिखा हुआ है, इस चीज को कहते हैं नंबर फॉर्मेटिंग। ठीक है जी, ओके दो तरह की फॉर्मेटिंग होती है इधर जो वैल्यू के ऊपर चलती हैं। एक तो नंबर फॉर्मेटिंग होती है, एक कस्टम फॉर्मेटिंग होती है। ये कस्टम फॉर्मेटिंग इस तरह के कोड्स होते हैं। अब नंबर फॉर्मेटिंग से मतलब क्या है, जैसे मैं कोई एक डेट डाला मैंने, ठीक है जी, ठीक अब है इसको आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में देख सकते हैं। कोई मैंने नंबर डाला और इसको मैं इसके डेसिमल प्लेसेस वगैरह बढ़ा सकता हूँ, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल वैल्यू कुछ और है पर दिखा कुछ और रहा है। यहाँ पे 23 दिखा रहा है, यहाँ 23.00। तो जो डेटा की विजिबिलिटी होती है वो जो होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए वो नंबर फॉर्मेटिंग पे डिपेंड करती है। अगर ओके मैं इसको जनरल फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट करता हूँ जो कि एक डेट है, तो यहाँ पे मुझे कुछ एक नंबर से दिखाता है। ठीक है जी, अब देखिए डेट्स में इसका नंबर से क्या लेना देना है और ऐसा हो क्यों रहा है, इसका जवाब मिलेगा कि यहाँ पे हमें जनरल फॉर्मेट में कुछ नंबर दिखा रहा है। हम एक टाइप करते हैं और इसको डेट फॉर्मेट में जब कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा, पर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि क्या फर्क पड़ता है। मैंने एक डाला, एक का मतलब था 1 जनवरी 1900, यानी 1900 से लेकर जितने भी दिन अब तक जो हुए हैं वो ये हैं। ठीक है जी, 41,813 दिन। तो एक्सेल का जो है नंबर फॉर्मेटिंग के जरिए एक इसमें इंजन लगा हुआ है जो कैलकुलेट करता है कि क्या डेट होनी चाहिए। अब आपने देखा यहां डेट थी, डेट को डेट के फॉर्मेट में देख लेते हैं। एक हमारे पास एक फॉर्मूला होता है नाउ का। नाउ का फॉर्मूला क्या करता है, डेट विद टाइम रिटर्न करता है यहाँ पे। अब अगर हम इसको पेस्टेज वैल्यूज करते हैं, वैल्यूज करते हैं, वैल्यूज में क्या होता है, ये अपने रियल फॉर्मेट में आ जाता है, जनरल फॉर्मेट में। अब देखिए नाउ के फॉर्मेट में इसने डेट भी रिटर्न की विद टाइम और यहां खाली डेट रिटर्न की थी, तो दोनों में देखते हैं क्या डिफरेंस है। जब हम यहां पे देख रहे हैं तो यहां पे एक नंबर लिखा हुआ है और जो टाइम डेट विद टाइम था वहां पे नंबर के साथ डेसिमल में कुछ वैल्यूज हैं। मींस जो डेसिमल से आगे की वैल्यूज हैं ये तो हमारी कैलकुलेट होती हैं डेज के लिए, और डेसिमल के पीछे की जो वैल्यूज हैं ये होती हैं टाइम के लिए। अब देखिए इसमें एक छोटी सी ट्रिक करके देखते हैं, मैं क्या करता हूं, इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ डेसिमल वैल्यूज बचेंगी। और डेसिमल वैल्यूज को मैं टाइम में कन्वर्ट कर देता हूं, करंट टाइम आ गया मेरा। ठीक है जी, बेसिकली ये सब मैंने दिखाया कि इसका जो फॉर्मेटिंग इंजन है, नंबर फॉर्मेट के नाम से भी कोई चीज होती है जो इस तरह से वर्क करती है। अब डेट टाइम की कैलकुलेशंस में करने के लिए इस चीज को जानना बहुत जरूरी था कि असल में ये चलता कैसे है। अब मान लीजिए ये करंट डेट है, अब डेट में आप अगर दो जोड़ते हैं क्योंकि तो वो नंबर है बढ़ता है, तो यहां पे आपको इमीडिएट रिजल्ट में दिखाई देता है। बट अगर मैं यही सेम चीज जो मैंने यहां की थी और यहां से इसका टाइम कर दिया था, अगर इस यहां पे करता हूं तो यहां क्या होता है, क्योंकि वो डेसिमल के बाद है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंक्रीमेंट हुआ है वो इसके डेसिमल से आगे हुआ है पीछे नहीं।
अब देखेंगे तो यहाँ पे डेसिमल से आगे वैल्यू डली हुई है, ठीक है जी। तो इस कारण से टाइम की कैलकुलेशन कभी भी सही नहीं आती है, ठीक है जी। तो बेसिकली ये दिखाने का मतलब मेरा ये था कि नंबर फॉर्मेटिंग के क्या क्या इम्पैक्ट रहते हैं। एक्चुअल में जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है ये केवल डेटा की विजिबिलिटी पे इफेक्ट डालती है, उसकी ओरिजिनलिटी चेंज नहीं होती, जो वैल्यू है वो तो वही रहेगी। अब देखते हैं नंबर फॉर्मेटिंग के सारे एग्जाम्पल। एक चीज बताइए कि जो डेट हाँ आप डालते हो तो हाँ जी डेट को जब ऊपर जो स्क्रॉल बार में वो डिफरेंट दिखाई देता है, यहाँ आपने अप्रैल 25 डाली है, हाँ जी हाँ जी आप डाली तो ऊपर दिखाई देती है वो, ये सर ये मैं अप्रैल 25 में लिखता हूँ अगर कॉलम में हाँ ऊपर हाँ अब वो देखिए डेट में ही आता है, डिफरेंस क्यों है? तो ये मैं बताऊँ, आपने हाँ ये इसकी गलती नहीं है एक्चुअली। अब ऐसा है ना, दूसरा हाँ हैं अब डली इस के आप, क्या चीज़, अगर इसमें 25 अप्रैल 2014 लिखते हैं तो ऊपर तो हमें जो जो स्क्रॉल बार, ऐसे लिखना पड़ेगा 25 अप्रैल जो है वो ऐसे लिखना पड़ेगा। एक मिनट, 25th इस तरह से लिखना पड़ेगा। अगर 25 अप्रैल डाले इसमें इंग्लिश में, इसमें अरबी ट्वेंटी इसमें फिफ्थ इसमें अप्रैल, हाँ तो ये इसके बाद ये इसमें कन्वर्ट कैसे हो गया? हम इसमें इंग्लिश में, एक्चुअली क्या है ना, इसका मैंने जैसा कि बताया आपको, एक इंजन है अपना जो काम करता है, बट वो प्राइमरी किस चीज को लेता है। अब इसमें तो करके दिखा दिया, अब हमारा इंडिया में तो सिस्टम इन्होंने बनाया नहीं है, बाहर से बन के आया है, तो बाहर से जो फॉर्मेट प्रीफिक्स कर दिए गए हैं या हमने जो चेंज नहीं किए हैं वो चल रहे हैं। जब आप डेट के बारे में पढ़ेंगे तो मैं इसका भी तरीका बताऊंगा, क्योंकि ये डेट डिपेंड करती है जो यहाँ आपको दिखाए कि आपकी सिस्टम की डेट क्या है। आप अपनी सिस्टम की डेट को ऐसा सेट कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डालते हैं, ये डालते हैं और इस तरह से डेट डालते हैं, ठीक है जी। हाँ, स्लैश का यूज नहीं करते, कोई लोग डॉट का यूज करते हैं, बट एक्चुअल जो फॉर्मेट अभी सेट है वो ये है। इस फॉर्मेट को भी चेंज किया जा सकता है, इसका आगे बताएंगे डेट टाइम का जब कराएंगे तो सिस्टम की डेट के साथ कैसे चेंज कर। इसका एक्सेल से कोई लेना देना नहीं है, इसका जो है आपकी विंडो से लेना देना है, सिस्टम के करंट टाइम से लेना देना है, सिस्टम के करंट फॉर्मेट से लेना देना है उसका, ठीक है जी। आप वो जैसा सिस्टम को बताएंगे वो एक्सेल को बता देगा कि आप ऐसे लो, ठीक है ठीक जी। है। और इसमें वही फॉर्मेट चलता है जो हमारा आप यहाँ सिस्टम टाइम में देख रहे हैं ना, यही फॉर्मेट चलेगा। इस तरह के फॉर्मेट होते हैं सारे सारे, चेक कर सकते हैं इसको। हाँ जी, सब एक एक चीज, स्टार्ट की जगह आप अपना नाम लिख सकते हैं ये तो किया होगा, खैर कई बार बच्चों के खेल है, खैर, पर इसमें वैसे कर सकते हैं हम लोग। कंट्रोल पैनल में हमारे नहीं, पास, सिस्टम की डेट की बात, हाँ सिस्टम की डेट की बात कर रहा हूँ, आप कंट्रोल पैनल में अपने पास वो होता है रीजनल सेटिंग होती है वो ये, तो पता है, वो तो पता हाँ उसी में ही होता है ये भी डेट टाइम का, ठीक है जी। अब ये डेट टाइम में यहाँ पे पहली चीज तो टाइम जोन डिपेंड करती, टाइम जोन इंडिया का सिलेक्ट कर ले, दूसरी चीज यहाँ से चेंज डेट ऑफ टाइम है, यहां से अंदर जाएंगे तो अदर ऑप्शन मिलेंगे आपको, चेंज सेटिंग। दो दो क्लॉक्स आ सकती है बस। हाँ नहीं, इसमें एक और भी ऑप्शन है, ये रहा नंबर फॉर्मेट, ठीक है जी। रीजन एंड लैंग्वेज के अंदर है आपका फॉर्मेट सेटिंग जो होती है वो यहाँ होती है। अब देखिए यहाँ पे पहले से ही मंथ डे और ईयर दे रखा है तो वो अलग कहाँ से सिलेक्ट करेगा, आप इसको दे दीजिए वो वैसा ले लेगा। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट है, जो देंगे वैसा लेगा अंदर, ठीक है जी। वो एक्सेल भी डिफॉल्ट ऐसे ही ले लेगा, पर हमारे पास ट्रिक्स हैं, ये हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारे पास दुनिया भर की ट्रिक्स हैं इसको किसी भी फॉर्मेट में फटाफट चेंज करने के। और कोई अगर एंट्री इस तरह से भी करता है, मतलब जो हमारा
इंडियन सिस्टम है, इससे भी कर देता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो हालांकि मैं बता रहा था, ये आपको धीरे धीरे बताया जाएगा, तो अभी मैं बता रहा था नंबर फॉर्मेट सिस्टम के बारे में। जैसे यहाँ पे मैं थोड़े से डेसिमल प्लेसेस डाल देता हूँ, 2-1 हजार वाली वैल्यूज भी डाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे आ गया। कंट्रोल वन से जा सकते हैं, यहाँ पे एक एरो है, वहां से जा सकते हैं। जनरल फॉर्मेट आपको पता ही, जनरल में वैसे कुछ है भी नहीं एक्स्ट्रा, जनरल का मतलब जनरल, नॉर्मल में कोई जीरो नहीं, कुछ नहीं, जनरल। नंबर में क्या है आपका, डेसिमल प्लेसेस आप ज्यादा बढ़ा सकते हैं, कितने जीरो चाहिए डेसिमल के बाद वो डिसाइड कर सकते हैं। सेपरेटर का यूज कर सकते हैं, जहां हजार के बाद हो तो सेपरेटर एक कॉमा आ जाए आपका हजार के बाद। पर इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि अपना हजार तक तो ठीक चलता है, पर 10 लाख के बाद दिखाता है, इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं होती है वो, मतलब गिनने में प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। उसका भी सोल्यूशन है, आगे जब कस्टम फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे तो उसमें भी इस चीज का सोल्यूशन है कि कैसे इंडियन नंबर फॉर्मेट लगाया जाए। दूसरा, यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर्स है, यहाँ देख रहे हैं। अब नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारा सिलेक्टेड है फर्स्ट वन। फर्स्ट वन क्या कह रहा है, नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव मतलब माइनस से स्टार्ट होनी चाहिए, माइनस से दिखाएगा। बाकी जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि नेगेटिव वैल्यू को रेड से दिखाना है। दूसरे ऑप्शन है नेगेटिव वैल्यू को ब्रैकेट में दिखाना है। ये लास्ट वाला ऑप्शन है नेगेटिव वैल्यू को ब्रैकेट में दिखाना है और रेड कर देना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोई माइनस वैल्यू होगी वो आगे माइनस नहीं दिखाएगा, वो तो ब्रैकेट में दिखाएगा और रेड में दिखाएगा। तो ये सेटिंग आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, अगर ऐसी कभी जरूरत पड़े तो यहाँ से चूज कर सकते हैं। दूसरा आते हैं करेंसी पे। करेंसी में बाकी नेगेटिव और डेसिमल वाला तो सेम है, यहाँ पे आप अपना वो चुन सकते हैं, क्या कहते हैं, करेंसी चुन सकते हैं, डॉलर चुन सकते हैं, और अगर आपको रुपए चाहिए तो वो भी चुन सकते हैं। पर उसके लिए आपको एक गूगल से एक फॉन्ट डाउनलोड करना पड़ेगा जिसको कहते हैं रूपी फॉर्डियन फॉन्ट। पहले मैं सिंपल रूपी फॉर्डियन फॉन्ट, जो रुपए का साइन आता है, वो आप डाल सकते हैं इसमें। अभी देखते हैं, मैंने कुछ डाले तो थे, नहीं तो इसमें INR और RS करके वो मिल जाता है वैसे भी। ये देख, अब ये जैसे हिंदी रुपए का है, ये भी मिल जाता है आपको, जो नया वाला जो रुपए का साइन आया वो भी मिल जाता है, रूपी फॉर्डियन करके फॉन्ट है। आपको क्या करना है, ये रन में जाके फॉन्ट्स टाइप करेंगे या कंट्रोल पैनल में जाके फॉन्ट्स टाइप कर सकते हैं। आपको यहाँ पेस्ट करना है खाल, हाँ पेस्ट करना है खाल रूपी फॉर्डियन फॉन्ट, ठीक है जी। तो यहाँ से एक चीज तो है कि हम यहाँ से ये करेंसी ले सकते हैं। अब आगे आते हैं थोड़ा सा इसमें, यहाँ पे हमारे पास अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग और करेंसी में कोई खास फर्क नहीं है, क्या है कि सिंबल यहाँ पे भी है, डेसिमल पोजिशन यहाँ पे भी है। बट अकाउंटिंग में क्या होता है कि जैसे ही आप ये अकाउंटिंग चूज करेंगे, आपके जो करेंसी सिंबल होते हैं ये अलाइंड हो जाते हैं एक बैंक स्टेटमेंट टाइप में, है जी। दूसरा क्या होता है, अगर इसमें आप कहीं भी जीरो देते हैं तो जीरो नहीं रिप्रेजेंट करता, एज ए डैश आपको दिखाता है, ठीक है जी, अकाउंट के लेजर टाइप में। तो ये अकाउंट के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट माना जाता है। तो अगर कोई लंबी चौड़ी रिपोर्ट होती है तो इसमें देखने में आसानी होती है, बजाय इसके इसमें विजिबिलिटी ज्यादा क्लियर है, तो इसके लिए अकाउंटिंग यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं अपने डेट के फॉर्मेट पे। जैसा कि मैंने एक डेट डाली, अब इस डेट को आपको कैसे दिखाना है, यहां पे डिफरेंट डिफरेंट आपके फॉर्मेट है। इस तरह से तो पहले से ही है, आपको डे भी साथ में चाहिए
वेडनेसडे आ रहा है, मंथ नेम आ रहा है, फिर डे नेम आ रहा है, डे डिजिट में आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है, तो वैसा दिखाएगा आपको। मंथ और खाली डे चाहिए वो दिखाएगा, और या फिर ऐसा फॉर्मेट मंथ डेट ईयर, ये तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं आपके पास डेट और मंथ का। और खाली मंथ ईयर चाहिए, कई बार मंथ ईयर चाहिए होता है खाली, तो यहाँ से चूज कर सकते हैं, डेट दिखानी नहीं है यही दिखाना है खाली, तो यहाँ से चूज कर सकते हैं। देखिए वैल्यू वही है पर इसकी विजिबिलिटी चेंज हो रही है खाली, जनरल फॉर्मेट में करेंगे अभी भी ऐसे ही दिखाएगा। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, डेट विद टाइम का ऑप्शन है, अब टाइम इधर दिखाएगा 12 बजे, क्योंकि हमने क्या देखा है जनरल फॉर्मेट में डेसिमल के बाद तो कोई वैल्यू है ही नहीं, अब डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है, जीरो का मतलब होगा 12 बज गए सुबह के, ठीक है जी, वही दिखा रहा है। खाली मंथ का फर्स्ट इनिशियल चीज वही है, आपको अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं उसको, मंथ का इनिशियल और ईयर, ठीक है जी। तो ये डेट के कुछ फॉर्मेट हैं। दूसरी बात आती है टाइम की, टाइम के फॉर्मेट, यहाँ टाइम, ये मैंने टाइम डाला पर टाइम का कुछ और दिखा रहा है मुझे, टाइम तो सही दिखा रहा है यहाँ पे करंट टाइम, बट क्या है कि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो 1 जनवरी 1900 ही दिखा ले, क्योंकि डेसिमल से आगे तो कोई वैल्यू है नहीं, है ना, तो ये इसकी अपनी अपनी आदत है, उस हिसाब से दिखाता है। अब इसको कैसे यूज करना है, टाइम पे जाएंगे आप, यहाँ पे 1:30:55 का जो फॉर्मेट है, AM PM जिसके आगे आपको दिखेगा, वो 12 घंटे के फॉर्मेट है, मतलब दोपहर के 12 बजे के बाद वो आपको 1:30 PM करके दिखाएगा, 2:30, 2:30 ऐसे करके दिखाएगा। 24 आवर्स के फॉर्मेट में चाहिए तो ये 13:30 का फॉर्मेट आप चूज करें, तो आपको 24 आवर्स के विदाउट AM PM के ये आपको शो करेगा वैल्यू। अब बात आती है 24 आवर्स से आगे बढ़ने की, यहाँ पे भी 24 आवर्स का है, 13:30:55 विद सेकेंड्स है और कुछ नहीं। बात आती है इससे आगे बढ़ने की, 24 आवर्स से आगे जाने की, आगे कैसे जाएंगे, इसमें एक बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे एक बढ़ा देता हूँ। अब ये 24 घंटे और कुछ 24 और 22 मिलके जितना होता है 46 के आसपास, 10 बज गए हैं क्योंकि, तो एक दिन मैंने जोड़ दिया, यानी कि 24 घंटे जोड़ दिए इसके अंदर, ठीक है जी। अब टाइम में आप इसको कैसे जोड़े, ये टाइम कितना घंटे बीत चुके हैं या कितने सेकंड बीत चुके हैं, 24 घंटे के फॉर्मेट को पार करने के लिए यहाँ पे 30:55 और 37:30 के फॉर्मेट है, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, ये आपको दिखाएगा टोटल टाइम कितना इलैप्स्ड हो गया, ठीक है जी। इसकी जरूरत पड़ती है कई बार, जैसे 2 टाइम स्टैम्प को इन टाइम और आउट टाइम हमें मीजर करना है, किसी मशीन का टेस्ट कर रहे हैं, उनका मशीन टेस्ट मीजर करना है कि इतने घंटे चल गए मशीन, ठीक है, तो उस जगह यूज में आते हैं। तो टाइम के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हैं वो ये हैं। उसके बाद आता है आपका परसेंटेज का फॉर्मेट, परसेंटेज में कुछ खास नहीं है, बट एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे हम 2% मान लीजिए लिखा, तो इसका मतलब जो होता है वो होता है 0.02, ये इस वैल्यू के बराबर होता है। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब कोई भी वैल्यू अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा, यहां से भी कर सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं, वहां नंबर फॉर्मेटिंग करने का चांस मिल जाएगा आपको, नंबर फॉर्मेट चूज कर सकते, मतलब डेसिमल प्लेसेस आप लगा सकते हैं, बस यही है, बाकी यहाँ से शॉर्टकट है, फटाफट लगा सकते हैं। तो 200 मैंने लिखा था, इसे 100 से उसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो 20,000 दिखा रहा है, ठीक है जी। तो किसी भी
चीज को अगर आप किसी भी नंबर को अगर आप डालने के बाद कन्वर्ट करते हैं तो वो 100 से मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है जी। बट अगर आपने एक बार फॉर्मेट अप्लाई कर दिया उसके बाद जो डालेंगे उसकी वो एज इट इज आएगा, ठीक है जी। तो बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जनरल फॉर्मेट में करते हैं इसको तो ये 3 दिखा रहा है, परसेंटेज के फॉर्मेट में करा तो 300 दिखा रहा है, ठीक है जी। अब हर फॉर्मेट के बीच में आगे के, जैसे मैं एक बार आपने देखा कि मैं तुरंत के तुरंत किसी भी फॉर्मेट को आपको लगा के दिखा दे रहा हूं, क्या होता है कि जो पहला फॉर्मेट है जनरल फॉर्मेट, कंट्रोल शिफ्ट का बटन दबाइए और ऊपर आपके अल्फाबेटिक कीज से ऊपर जो कीज हैं न्यूमेरिक कीज उनसे पहले एक टिल्ड का बटन है, 1 से पहले अपोस्ट्रोफ के साइन के साथ में। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ जब उस बटन को दबाएंगे तो जनरल फॉर्मेट अप्लाई होगा, कंट्रोल शिफ्ट 1 दबाएंगे तो नंबर फॉर्मेट अप्लाई होगा डेसिमल वाला, कंट्रोल शिफ्ट 2 दबाएंगे तो टाइम फॉर्मेट अप्लाई होगा, 3 दबाएंगे तो डेट फॉर्मेट अप्लाई होगा, 4 दबाएंगे करेंसी फॉर्मेट अप्लाई होगा, 5 दबाएंगे परसेंटेज फॉर्मेट। हाँ जी, शॉर्टकट जो है ना आपको याद, क्लास होगी इसकी करेंगे? हाँ जी करा देंगे, क्लास करा देंगे इसकी, शॉर्टकट की होती है। तो अब फिलहाल मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ क्योंकि आप आज की क्लास के बाद आप इनको यूज करेंगे, इसकी और कस्टम फॉर्मेटिंग के बाद आप इसको यूज करेंगे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कंट्रोल शिफ्ट के बाद ऊपर के जो 5 बटन है, 5 की 6 बटन है नंबर फॉर्मेट वाले, वो याद रख लीजिए बस। कंट्रोल शिफ्ट पहला बटन होता है टिल्ड का हमारा जनरल फॉर्मेट, 1 नंबर फॉर्मेट के लिए, 2 टाइम फॉर्मेट, 3 डेट फॉर्मेट, 4 अपना करेंसी फॉर्मेट, 5 परसेंटेज, ठीक है जी। तो परसेंटेज के फॉर्मेट में ये एक सिर्फ एक ही चीज होती है। दूसरी बात आती है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? 1/2, 2/3, 4, 3/4, 2/5 मैंने मान लीजिए लगा दिया, इसको लगाता हूँ जनरल फॉर्मेट में, 2/5 है। अब इसको मुझे फ्रैक्शंस में दिखाना है तो क्या दिखाएगा ये? 2 से 1/2 फ्रैक्शन में कोई भी फॉर्मेट चूज करेंगे अकॉर्डिंगली वो आपको रिजल्ट दिखाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है जी। बाकी साइंटिफिक हम लोग यूज नहीं करते हैं, टेक्स्ट का फॉर्मेट यूज आता है। टेक्स्ट का फॉर्मेट क्या यूज आता है? मान लीजिए हमें चेक नंबर कुछ इशू डालने हैं यहाँ पे, या कुछ नंबर ऐसे डालने हैं जिनके आगे मुझे 0 चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ उसके लिए, ये डालता हूँ कोटेशन मार्क 0 0 0, इस तरह से डालता हूँ, क्योंकि अगर मैं बगैर इसके डालूंगा तो ये 0 रुकेगा नहीं, ये नंबर फॉर्मेट में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। कोटेशन मार्क का मतलब होता है कि हम इसे टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में ही कन्वर्ट करना है तो बार बार वो लगाने की जरूरत नहीं, एक बार आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से टेक्स्ट फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लीजिए बस। अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, आपकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। ठीक है जी, डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। बट इसमें अगर आपने कोई फॉर्मूला भी लगा दिया तो वो भी कैलकुलेट नहीं होगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो समझ जाइए कि आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लगी हुई है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिखा देगा, यहां से क्या करना है आपने जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, अब भी नहीं आ रहा, एक बार एंटर मारना पड़ेगा आपको अंदर क्लिक करके तो आएगा, ठीक है जी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं टेक्स्ट फॉर्मेट के साथ। इसके बाद जो स्पेशल है इसको यूज नहीं करते हम लोग, सीधा कस्टम फॉर्मेट यूज करते हैं, क्योंकि तो स्पेशल में इतना स्पेशल नहीं है जितना हमारे कस्टम में स्पेशल।
ठीक है जी। तो चलिए आज आपको, अब ये नंबर फॉर्मेटिंग हो गए, कस्टम फॉर्मेटिंग सुजीत सर पढ़ाएंगे, मैं आपको शॉर्टकट्स बताता हूँ कि शॉर्टकट्स कैसे अप्लाई करना है, ठीक है जी। अब देखिए शॉर्टकट के इस पता लगाने के हमारे पास क्या तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप किसी भी ऑप्शन पर ले जाइए, यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये स्क्रीन टिप आ गई तो कंट्रोल भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। हाँ, पर आप कहेंगे कि हर किसी में तो आता नहीं, फिर क्या फायदा। हाँ कुछ में दिखा रहा है, चलिए ठीक है, कुछ ही सही। एक तो ये हो गया कि कुछ के तो हमें यही दिखा देता है। दूसरा और जो सबसे पॉपुलर तरीका है और सबसे आसान, आसान नहीं कहेंगे, मतलब जो सबसे इफेक्टिव तरीका है, वो है आपका आल्ट का बटन। कीबोर्ड पे आपके आल्ट का बटन है, आप जैसे ही उसको प्रेस करेंगे यहाँ पे कुछ कीवर्ड अपीयर होंगे, प्रेस करके एक बार छोड़ना है आपको, ठीक है जी। यहाँ पे अपीयर हो गए, तो मुझे क्या करना है, सिंपली अगर मुझे इधर बॉर्डर लगाने हैं सब में, तो मुझे होम टैब में डाल जाना पड़ेगा, टेक्निकली देखा जाए तो फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा, देन ऑल बॉर्डर, यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अब शॉर्टकट्स में कैसे करेंगे, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट की मैंने प्रेस की तो यहाँ पे एच आया, हर एक टैब के आगे, हर एक ऑप्शन के आगे एक वर्ड आ जाता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे मैं इस टैब पे क्लिक करता हूँ तो बाकी ऑप्शन खुलेंगे, तो इसी तरह से जो ये नंबर दिखा रहा है या जो भी टेक्स्ट दिखा रहा है वो आपको प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से। एच दिखा रहा है बॉर्डर में जाने के लिए, एच मैंने प्रेस किया, जैसे ही मैंने एच प्रेस कर दिया, प्रेस करके छोड़ दिया, बाकी के ऑप्शन खुल गए मेरे यहाँ पे। अब बॉर्डर्स के नीचे आ रहा है बी, मैंने बी दबाया, बी दबा के छोड़ दिया एक बार, फिर ये ऑल बॉर्डर्स के लिए ए आया, जैसे ही मैंने ए प्रेस किया काम हो गया। तो यानी कि मेरा शॉर्टकट क्या बना, ऑल्ट एच बी ए, ठीक है जी। ये सबसे बढ़िया तरीका है। आपको क्या करना है, बस दिन में कुछ टाइम के लिए माउस को साइड में रख दीजिए और ऑल्ट की को दबा दबा के देखिए, एक बार अगर आपकी मतलब कुछ ही दिन के अंदर आपकी हैबिट बन जाएगी और कीबोर्ड आपका बहुत पहले से ज्यादा फास्ट चलने लगेगा इन ऑप्शंस पे। अब जैसे मर्ज करना है तो ऑल्ट एच एम सी, अनमर्ज करना है ऑल्ट एच एम यू। अब ये याद करने की जरूरत नहीं है मुझे, ऑल्ट दबाया मैंने, यहाँ एच आया, एच दबा दिया, मर्ज एंड सेंटर के लिए यहाँ पे एम दिखा रहा है मुझे, एम दबाया, और ये मर्ज सेंटर सी, सी दबा दिया, नीचे ही देख रहा हूँ यू अनमर्ज के लिए, तो जैसे सी दबाया वो मर्ज हो गया, और जैसे एच एम यू दबाया वो वापस ठीक हो गया, ठीक है जी। अब जैसे मुझे कलर भरना है, मान लीजिए अब कलर में क्या है कि कुछ हद तक ही आता है, ज्यादा पूरा तो नहीं आएगा, ऑल्ट एच कलर के लिए एच दिखा रहा है, अब यहाँ के आगे नो फिल के लिए दिखा रहा है एच एच एन, मतलब खाली करना हो तो नो फिल है मेरे पास, बट वैसे नहीं है, तो यहाँ पे कीबोर्ड का भी सहारा ले सकते हैं, एरो की का कभी कभार ये भी चला लेने चाहिए। हाँ तो ऑल्ट एच एच एन ये गायब हो गया। इसी तरह फिल्टर लगाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल वापस दबाएंगे चला जाएगा। तो आप एक्सप्लोर कीजिए, ऐसे हर एक ऑप्शन जो आप चाहते हैं वो सब इससे हो सकता है। अब ये रही, आपको ये टैब नेविगेशन पता पड़ गई कि इसको बाहरी रिबन को कैसे डील करना है। इसके अलावा शॉर्टकट्स में क्या होता है, शीट नेविगेशन होती है, ठीक है जी। अब ये थोड़े से याद करने पड़ते हैं। अब ये शिफ्ट के साथ पेज अप, शिफ्ट के साथ ये कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन पे चलता है। पेज अप जाएंगे तो डाउन में आएगा, पेज अप करेंगे, पेज डाउन करेंगे तो आगे बढ़ेगा, तो आगे पीछे कर सकते हैं इनके जरिए। आल्ट टैब से विंडो स्विच करते हैं हम, ठीक है जी, और विंडो 7 में विंडो टैब के साथ भी करते हैं, बट इस टाइम ऑप्शन नहीं चल रहा मेरे, तो आल्ट टैब के साथ आपका ऐसे खुलता है, ये विंडो स्विच कर सकते हैं हम, ठीक है जी।
दूसरा है, ये तो ठीक है, अब आते हैं टैब नेविगेशन पे अपना, ये डायलॉग बॉक्स को कैसे हैंडल करना, ये भी चीज है। अब देखिए यहाँ का तो मुझे पता है कि कंट्रोल वन है, ठीक है जी, इसको आगे कैसे करना है, जब आपको टैब्स में आगे बढ़ना हो तो कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और टैब वन बाय वन प्रेस करते जाएंगे, कीबोर्ड पे टैब का बटन है, जिसको मैं प्रेस करता जा रहा हूँ तो टैब चेंज होता जा रहा है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी दबा लूँ तो रिवर्स में चलेगा ये, ठीक है जी। अब और कैसे चलना है, अब जैसे मुझे रैप टेक्स्ट करना है, इसमें क्या होता है, आप हर एक के नीचे ये अंडरलाइन कैरेक्टर देख रहे होंगे, रैप टेक्स्ट के नीचे W अंडरलाइन है, श्रिंक टू फिट के नीचे K अंडरलाइन है, ठीक है जी। जब मुझे इनको करना है, इनका अलग तरीका है, इसमें Alt की जो है वो दबा के रखनी है, उसको दबा के रखते हुए जब आप ये अंडरलाइन कैरेक्टर प्रेस करेंगे तो आपका ऑप्शन चल जाएगा, जैसे श्रिंक टू फिट करना है K दबाया मैंने, और हॉरिजेंटल में जाना है ऊपर H है, Alt के Alt दबा के रखते हुए H दबाया, फिर एरो की से मैंने जो भी नेविगेट कर लिया, ठीक है जी। एस्केप से इससे बाहर चला गया मैं, दूसरा इस पे जो आप डार्क एरिया देख रहे हैं इस बटन पे, या आप विंडोज 7 वगैरह और यूज करेंगे तो ग्रीन एरिया, तो ये जो ग्रीन एरिया या डार्क एरिया दिखाता है, इसका मतलब है कि जो आपका बटन है वो एंटर पे एक्टिवेटेड है, जैसे आप एंटर दबाएंगे ये ओके हो जाएगा, एस्केप दबाएंगे तो इस विंडो से बाहर चले जाएंगे, एंटर दबाएंगे तो इसमें ओके हो जाएगा, एस्केप दबाएंगे तो भी बाहर हो जाएगा। बेसिकली ये आपका डायलॉग बॉक्स को चलाने का तरीका है, ठीक है जी। अब जैसे प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं तो Alt F W V यहाँ पे आ गए, Alt S P पेज सेटअप पे चला गया मैं, और यहाँ से कंट्रोल टैब कंट्रोल जहाँ पे भी आना है मैं आ गया, लैंडस्केप के लिए Alt L दबाया, फिट टू स्क्रीन के लिए F दबाया, एंटर आ गया एस्केप से बाहर, तो इस तरह से फास्ट काम हो जाता है आपका, ठीक है जी। बाकी अभी मैंने काफी सारे आपको शॉर्टकट बताए, बट आपको और भी चाहिए, क्योंकि तब से लेकर अब तक जब आपने पहली बार सीखा था तब से लेकर अब तक बहुत अपग्रेड हो चुका है, तो बेटर है इसको कहाँ से देखा जाए, जहां से हमने पहले वाले देखे थे, कीबोर्ड शॉर्टकट, आपके पास एक्सेल की हेल्प होती है उसको यूज करना शुरू कर दीजिए, एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शन की। अब ये खोलेंगे तो इसमें आपके सारे आपके लेटेस्ट वाले जितने भी हैं शॉर्टकट दिए हुए हैं, कंट्रोल क्लास में इसका जिक्र था, हाँ जी क्लास में इसका जिक्र था, अच्छा था, हाँ तो यही था। अब ये जो कंट्रोल वन वाले जो मैंने बताया ना, कंट्रोल वन क्या हो रहा है, टू क्या हो रहा है, नहीं ये तो कंट्रोल वन है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ देखते हैं, ये रहा तो मैं 1 2 3 4 बता रहा था आपको, जनरल नंबर फॉर्मेट अप्लाई हुआ, और ये डॉलर वाले में करेंसी फॉर्मेट अप्लाई हुआ, परसेंटेज वाले में डेसिमल परसेंटेज विद डेसिमल प्लेसेस एक्सपोनेंशियल, और एट द रेट वाला जो टाइम 3 हो गया जो, और ये डेट फॉर्मेट। अब ऐसे निशानों में कौन याद रखता है, मुझे तो 1 2 3 याद है, ठीक है जी। वो प्रैक्टिस करने से आता है, आपको खुद अपने हिसाब से याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हर तरह के ऑप्शन है, फंक्शन कीज के थ्रू कौन से ऑप्शन है, कुछ ऐसे मिलेंगे जो यूजर, अब यहाँ पे नई नई चीजें सीखेंगे तो उनके भी शॉर्टकट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है जी। तो सारे शॉर्टकट यहाँ अवेलेबल है, इसके बाद ये तो देखिए देखे, साथ में आप यहाँ पे विंडो में भी जाके डेस्कटॉप पे भी जाके F1 कर लें, और यहाँ के कीबोर्ड शॉर्टकट और ले लीजिए, इसमें आपको डेफिनेटली नया चीज मिलेगा, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। यहाँ आपका डायलॉग बॉक्स नेविगेशन
विंडो लोगो की के काफी सारे शॉर्टकट है। पहले तो इकट्ठा एक आधा ही होता था ना, विंडो डी डिस्प्ले द डेस्कटॉप, अब इतने सारे दुनिया भर के विंडो की के साथ देखे ना, ये प्रिंट स्क्रीन वगैरह कई बार इनका ऐसा फंस जाता है कि यहाँ पे एक बार इनको फिर भी देख लीजिएगा। ठीक है जी, बहुत सारे ऑप्शन है डायलॉग बॉक्सेस के जो मैंने बताया, कंट्रोल टैब, कंट्रोल शिफ्ट टैब, टैब से आगे आगे बढ़ते हैं, शिफ्ट टैब, आर्ट अंडरलाइन कैरेक्टर, तो यहाँ नई चीजें हैं आपकी, बाकी भी ये बहुत सारी चीजें हैं, इनको एक बार देख लीजिए। ठीक है जी, तो आई थिंक आई ऑलमोस्ट डन विद माई सेशन, बाकी ठीक है कल आपका सुजीत सर के साथ ही कंटिन्यू होगा या मेरे साथ भी हो सकता है, कोई हम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम दोनों में स्विच हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है, ओके तो आप ये वाला भी, हाँ ये वाला मैं भेज, हाँ इसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा।